तो ये जो फोन मेरे हाथ में है ना भाई, ये आता है Dimensity 9200 प्लस प्रोसेसर पर, और ये एंटीटू बेंचमार्क पता है कितना देता है, ऑलमोस्ट 15 लाख के एंटीटू स्कोर, और लेकिन ये जो सारी चीजें ना आपको मिलती है अंडर 35,000। तो बेसिकली ये है Vivo T3 Ultra, और यहाँ पर आज इसका एक मस्त डिटेल रिव्यू कह सकते हैं, डिटेल में सारी चीजें जानेंगे। रही बात अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस को लेकर, बॉक्स के अंदर आपको फोन, उसका केस कवर, कुछ पेपर वर्क और साथ में 80 वॉट का चार्जर, टाइप ए टाइप सी केबल। तो रही बात इस फोन के फर्स्ट लुक को लेकर, बैक साइड में अगर देखते हो तो आपको ये कुछ दिन पहले ही आया हुआ फोन है, Vivo की V40 सीरीज है, उसी का जो डिजाइन लैंग्वेज है ना यहाँ पर फॉलो कर रहा है। बट यहाँ पर आपको एक मेजर चीज थोड़ी सी मिस देखने मिलेगी, ज़ाइस की कोलैबोरेशन या पार्टनरशिप मिलती है कैमरास में, यहाँ पर आपको वो नहीं मिलता, बट यहाँ पर आपको भर के मिलता है परफॉर्मेंस। बैक साइड में मैटेड डिजाइन है और साइड की तरफ प्लास्टिक ही है, और जो डिस्प्ले आपको मिलती है वो है कर्व, और पीछे की तरफ आपको मस्त ग्लास बैक देखने मिलता है। बाकी यहाँ पर नेसेसरी जो पोर्ट्स होने चाहिए वो सारे अवेलेबल है। वेट में भी यहाँ पर काफी ज्यादा हल्का मैं कहूंगा। और देखो ये जो सेगमेंट के अंदर देखोगे ना, तो वहां पर एक की फीचर ये है कि ये आपको 5500 mAh बैटरी के साथ में देता है, जिसके अंदर आपको जो मतलब थिकनेस कहोगे वो एकदम कम देखने मिलती है इतनी बड़ी बैटरी डालने के बाद में। और एक और हाईलाइट चीज है, IP68 की रेटिंग ये फोन लेकर आता है, जो कि पानी के छींटे नहीं, पानी के अंदर ऑलमोस्ट आपका फोन आराम से चल जाएगा। बाकी डुअल नैनो सिम डाल सकते हो, जिस पर आप बेसिकली दो सिम अवेलेबल है, मेमोरी कार्ड नहीं डाल पाओगे, और 3 माइक्स आपको मिलते हैं जो कि बेसिकली एक बेटर नॉइस कैंसिलेशन के लिए काम करेगा, या फिर आप जब कॉल करोगे तब बेटर काम करेगा, या फिर आप जब वीडियो रिकॉर्ड करते हो तब काम में आएंगे। बाकी देखो कहने ये फोन 5G आता है और Wi-Fi 7 के साथ में है, और रही बात ट्राई बैंड Wi-Fi सपोर्ट करता है, VoNR सपोर्ट हो गया, 5G में कनेक्टिविटी भी काफी अच्छी स्ट्रांग देखने मिलती है, 41 सेंसर्स के साथ में आता है, और सिक्योरिटी के लिए मतलब फोन अनलॉक करने के लिए आपको मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो एक थोड़ी सी नीचे वाली साइड में देखने मिलता है, और फेस अनलॉक भी आता है। तो रही बात डिस्प्ले में, 6.78 इंचेस की 1.5K 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले आती है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में, और इस फोन की जो पीक ब्राइटनेस है वो मिलती है 4500 निट्स, और HBM अगर देखोगे ना तो 1200 निट्स पर देखने मिलता है। और ये फोन है ना 1 बिलियन कलर शो करता है, और जितना मैंने कलर इसके अंदर देखा है, जितना मैंने ट्राई करके देखा है ना, वहां पर काफी अच्छे मतलब बोलो डिस्प्ले पे जो सैचुरेशन कलर ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट वो काफी अच्छा नेक्स्ट लेवल का मिल जाता है। और इसके अंदर आपको जो डिस्प्ले पे प्रोटेक्शन है ना, शॉट सेंसेशन हाई परफॉर्मेंस ग्लास देखने मिलता है। और रही बात अभी देखो मैंने नेटफ्लिक्स पे ट्राई करके देखा है, तो अभी के लिए नेटफ्लिक्स पर HDR का कंटेंट अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट जितना मैंने बात करके देखी है तो अपडेट के थ्रू बाद में वो आपको मिल जाएगा, और साथ में लेकिन यूट्यूब पर जाओगे तो 4K HDR का कंटेंट आप प्ले कर सकते हो, जो कि काफी अच्छे रिस्पॉन्सिव कलर निकालता है। और इसके अंदर आपको लाइक आई प्रोटेक्शन हो गई, आंखों की फ्लिकरिंग कह सकते हो, या फिर आंखों की कंफर्ट के लिए कहोगे तो वो भी वहां पर काफी ज्यादा सॉर्टेड देखने मिलता है। और इस पर आपको जो डिस्प्ले पर कलर मोड्स है वो देखने मिलते हैं, जहां पर आपको क्रीम कलर्स हो गए या स्क्रीन रेज हो गई या विजुअल एनहांसमेंट हो गए, वहां पर आप बेटर और रिस्पांस ले सकते हो। और स्पीकर में इन्होंने दिया है डुअल स्पीकर, जिस पर अगर आप रेशियो कहोगे ना तो 50-50 देखने मिलता है, जो कि एक अच्छा बैलेंस निकाल लेता है। और यहां पर आपको जो टाइप सी के थ्रू अगर आउटपुट लेते हो, क्योंकि इसमें देखो 3.5 mm जैक का तो गड्ढा नहीं आता, तो टाइप सी के ईयरफोन से आउटपुट लेके देखा है, और वहां पर जो ऑडियो है वो भी एकदम सॉर्टेड निकल कर आती है, मतलब बेसिकली मल्टीमीडिया वाला एक्सपीरियंस आपके सामने ये फोन काफी अच्छा निकाल लेता है। अब रही बात मेन कोर परफॉर्मेंस को लेकर, जितना मैंने इस पे ट्राई करके देखा है ना, जो ये Dimensity 9200 प्लस प्रोसेसर है, ये 4nm TSMC प्रोसेसर है, और जिस पर मैंने एंटीटू बेंचमार्क निकाले तो भाई ऑलमोस्ट 15 लाख के एंटीटू स्कोर देखने मिल गए। और उसी के बाद में जो रैम है वो भी फास्टर आती है, LPDDR5X, और जिस पे आपको एक्सटेंडेड रैम मिलता है, मतलब 8GB रैम वाला वेरिएंट लिया आपने तो प्लस 8GB रैम वर्चुअल कर सकते हो, और साथ में आप 12GB तक इसे लेके जा सकते हो हायर वेरिएंट पर। और वहीं पर जो स्टोरेज है वो UFS 3.1 के साथ आती है, जहां पर जो स्कोर्स है काफी अच्छे हैं। और CPU थ्रॉटल स्कोर निकाल के देखा तो Dimensity प्रोसेसर है, तो मुझे लगा कि थ्रॉटल कर सकता है, पर वहां पर मुझे 71% का CPU थ्रॉटल स्कोर देखने मिला, और जिसके जिप स्कोर भी अगर देखूंगा तो वो भी काफी ज्यादा ऑन पॉइंट निकल कर आए। तो अभी अगर रियलिटी को लेकर बात करूंगा, मतलब अगर आप इस तरीके की परफॉर्मेंस एक फोन से एक्सपेक्ट कर रहे हो तो क्या क्या हो सकता है। बेसिकली यहां पर आपको जो भी एप्लीकेशन चला, छोटी मोटी हैवी लैगी कुछ भी होगा, जो मतलब भद्दी से भद्दी एप्लीकेशन कह लो, वो इसके अंदर आराम से चल जाएगी, क्योंकि परफॉर्मेंस आपको काफी ज्यादा तगड़ी देखने मिल जाती है। अब ये जो स्कोर आया ना, तो यहाँ पर मुझे जो परफॉर्मेंस का जो नंबर है, आप इसे स्नैपड्रैगन से अगर कंपेयर करने जाते हो तो ये आपको सिमिलर देखने मिल जाएगा, स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 के नियर बाय इसके स्कोर देखने मिल जाते हैं। अभी देखो यहाँ पर अभी उसके बाद आते हैं थोड़े से हैवी लोग, मतलब जो गेमर लोग आते हैं, तो वैसे यहाँ पर एक बात बता दूं, अभी BGMI पर ये फोन अभी 60 FPS सपोर्ट करता है मैक्सिमम, और एक बात मैंने पूछी थी कि
90 देगा क्या? तो उन्होंने कहा जो 90 FPS है वो आगे आने वाले टाइम में आ जाएगा, क्योंकि देखो प्रोसेसर है तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन, मैं कह सकता हूँ नया प्रोसेसर है तो ऑप्टिमाइजेशन थोड़ी सी बेटर होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो BGMI जब नई अपडेट रोल आउट करेगा तो उसके अंदर यहाँ पर आपको 90 FPS का सपोर्ट आने वाले टाइम में देखने मिलेगा। बट मैं अभी 60 FPS की बात करूंगा तो वहां पर आपको एक अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस मिल जाता है। जिस हिसाब से इस फोन का फॉर्म फैक्टर है, पतला है, मतलब थोड़ा सा क्लासी दिखने वाला फोन है, तो उस हिसाब से जो ये फोन परफॉर्मेंस निकालता है वो काफी ज्यादा अच्छी है और 60 FPS की एक अच्छी गेमिंग का एक्सपीरियंस आप इसके अंदर कर सकते हो। और जस्ट मैं एक बात बता देता हूँ कि BGMI ना अभी का जो अपडेट 3.3 है ना, तो बहुत अच्छे परफॉर्मेंस वाले फोन है, बट उनके अंदर भी परफॉर्मेंस का लैग देखने मिल रहा है, क्योंकि जो अपडेट है ना उसमें स्मूथनेस कह लो या ऑप्टिमाइजेशन कह लो वो इतनी बेटर नहीं है। जो पहले फोन थे जो 90 अच्छे गेमिंग एक्सपीरियंस करवा रहे थे, बट वो अभी 60 पे भी थोड़ा बहुत इशू कर रहे हैं। तो मैं इतना कहूंगा कि जो नई अपडेट आएगी उसका वेट करो ताकि आपको और बेटर रिजल्ट का आइडिया आ जाए। पर अभी जितना हम लोग ने यू अपडेट मतलब जो 3.3 था ना उसमें चेक करके देखा है, 60 का एक्सपीरियंस कैजुअल अच्छा निकाल देता है। और थर्मल्स के लिए भी कहूंगा फोन अच्छा मतलब कहता है, मतलब 60 FPS की परफॉर्मेंस अच्छी तरीके से हैंडल कर लेता है। और जो बैटरी की बात कर ही रहा था मैं, 5500 mAh की बैटरी, और जो फॉर्म फैक्टर देखोगे तो भाई एकदम पतला सा बना रखा है, तो उस हिसाब से जो बैटरी फिट करी है ना वो भी काफी अच्छी है। अगर एक नॉर्मल यूजर है तो एक ये फोन से ना वो आराम से एक दिन या डेढ़ दिन तक के ऊपर का बैटरी बैकअप ले सकता है। तो बैटरी बैकअप को लेकर इस फोन पे आपको रोना नहीं है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको इससे मिल जाएगी। अगर मैं एवरेज SOD भी बताऊं तो 6-7.5 घंटे का मतलब SOD आपको आराम से मिलने वाला है। और वहीं पर अगर आप इसे चार्जिंग की बात करोगे तो 80 वॉट का चार्जर मिलता है, तो बेसिकली वहां पर आपको 100% होने में समवेयर कुछ 36-40 मिनट के अंदर आपका फोन 100% चार्ज भी हो जाता है, और 50% की बात करोगे 20 मिनट के अंदर। तो ये फोन है ना एंड्रॉइड 14 के साथ में आता है, फन टच OS 14 के साथ में। तो इसमें ना 2 साल का एंड्रॉइड मिलेगा और साथ में 3 साल का सिक्योरिटी पैच मिलेगा। रही बात देखो फन टच OS को लेकर, तो एनिमेशन वगैरह फ्लूइड एक्सपीरियंस करवा देता है, बाकी इस पर आपको कुछ डायनेमिक इफेक्ट्स देखने मिलते हैं जैसे कि कस्टमाइज्ड लाइट इफेक्ट हो गया या होम स्क्रीन पर एनिमेशन हो गया, फिंगरप्रिंट आइकन्स हो गए या चार्जिंग एनिमेशंस हो गए, मतलब ये काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस इसके अंदर करवा देता है। साथ में अल्ट्रा गेम मोड देखने मिलता है जो गेमिंग के अंदर आपको एक बेटर परफॉर्मेंस निकालने में काम देता है, जहां पर आप एक अल्ट्रा गेम मोड ऑन करते हो तो बेटर एक्सपीरियंस के लिए आपको परफॉर्मेंस एकदम तगड़ी तरीके से मिले उस हिसाब से मिलता है। और स्प्लिट स्क्रीन मिलती है जहां पर आपको 2 एप्लीकेशन एक साथ में चला सकते हो, स्मॉल विंडो हो गया या फिर स्मार्ट साइड बार हो गया। और यहाँ पर जो वीवो में जो इसका ब्राउजर आता है ना, हो सके तो उसको बंद कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको ना आए, और एक आध दो जगह वहां से भी बंद कर देना ताकि नोटिफिकेशन तक देखने ना मिले। बाकी इसके अंदर हॉट एप्स और हॉट गेम्स भी आते हैं, तो आप चाहो तो उसे सेटिंग में जाके मतलब ऐप स्टोर की सेटिंग में जाके चेंज करके बंद कर सकते हो। अब देखो रही बात कैमरा को लेकर, परफॉर्मेंस तो ये फोन अच्छा निकाल रहा है, लुक भी अच्छी निकाल रहा है, बैटरी भी अच्छी दे रहा है। अब कैमरा को लेकर बात करते हैं, मेन 50 megapixel का सोनी सेंसर के साथ में आपको मेन कैमरा मिलता है, और सेकेंडरी आपका 8MP अल्ट्रा वाइड है, और जो 50 megapixel का आपको ग्रुप सेल्फी कैमरा देखने मिलता है, और साथ में एक फ्लिकर लेंस भी एड ऑन करा गया है ताकि फ्लिकरिंग और बाकी चीजों को रिमूव कर सके। देखो वीवो का फोन है, कैमरास में आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और अभी के नए मतलब मैं कहूंगा जो वीवो V40 सीरीज के बाद में जो कैमरा एल्गोरिदम या कलर में या डिटेलिंग में थोड़ा सा और अच्छा काम किया गया, जो मुझे इसमें भी देखने मिला। यहाँ पर आपकी जो फेस की ह्यूमन की जो स्किन टोन्स आती है वो थोड़ी सी अलग डिटेल के साथ में देखने मिलती है, कलर्स काफी अच्छे नेचुरल हो चुके हैं, और बैकग्राउंड ब्लर अगर पोर्ट्रेट वगैरह लेते हो तो वहां पर भी एक बेटर एक्सपीरियंस देखने मिलता है। और जब अब रही बात ऑरा लाइट को लेकर, जब एक ऐसे एनवायरनमेंट में हो, पार्टी एनवायरनमेंट में कह लो जहां पे ब्लू और रेड लाइट का मिक्सचर होता है, तो फेस पे उतनी डिटेलिंग आती नहीं है, तो ऑरा लाइट की वजह से वो डिटेलिंग काफी अच्छी देखने मिलती है। तो इतना है कि ह्यूमन सब्जेक्ट या फिर आप प्लांट ट्रीज वगैरह इस तरीके की फोटो खींच रहे हो तो वहां पर आपको एक बेटर मस्त एक्सपीरियंस देखने मिल जाएगा। और रही बात सेल्फी को लेकर, तो वीवो का फोन है भाई, काफी अच्छी सेल्फी यहाँ पर ही निकाल लेता है। अब चाहे मतलब आप ग्रुप में फोटो खींच सकते हो बेटर डिटेल क्वालिटी के लिए, वो एक्सपीरियंस भी इसके अंदर मिल जाता है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस के साथ साथ जो कैमरा वाला एक्सपीरियंस है ना वीवो T3 अल्ट्रा के अंदर डेफिनेटली आपको वो एक्सपीरियंस करने मिल जाता है। और साथ में आपको थोड़े से AI की भी चीजें देखने मिलती है, लाइक AI इरेजर हो गया या AI फोटो इनहांसर हो गया, या साथ में फेस्टिवल पोर्ट्रेट्स भी देखने मिलते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। और मेन कैमरा पे तो लाइक आप 4K 60 तो वीडियो ले ही सकते हो, बट फ्रंट कैमरा से भी आप 4K 60 FPS की वीडियो ले पाओगे, जो कि एक बेटर एक्सपीरियंस करवाती है, और स्टेबलाइजेशन वगैरह आप ऑन स्क्रीन चेकआउट कर सकते हो। सो अगर आप 4K 60 FPS में वीडियो लेते हो ना, तो आपको 1x to 2x का स्विच करने का ऑप्शन मिलता है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है, स्लाइडर से तो बहुत अच्छा है। और जब आप 1080p 30 FPS में वीडियो शूट कर सकते हो, तो वहां पर आपको अल्ट्रा वाइड 1x और 2x के अंदर स्विच करने का ऑप्शन मिल जाता है। और इवन अगर आप रिकॉर्ड करते करते खुद को भी एक रिकॉर्ड करना चाहते
चाहते हो तो आपको स्विच करने का भी ऑप्शन है और वीडियो पॉज करने का भी ऑप्शन मिल जाए। और अगर आपको ड्यूअल टाइप की वीडियो निकालनी है, मतलब आप खुद दिख रहे हो, बैकग्राउंड भी दिखना चाहिए एक साथ ही, तो वो करने का भी ऑप्शन मिलता है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैमरा में भी काफी ज्यादा पॉजिटिव देखने मिलता है। तो जितना मैंने यहाँ पर इस फोन को चेकआउट किया है डिटेलिंग परफॉर्मेंस को लेकर, तो वहां पर भी सारे नंबर अच्छे से लेके जाता है। मतलब अगर आप एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहते हो परफॉर्मेंस को लेकर, वो भी मिल जाता है। बैटरी का एक लंबा टाइम का एक्सपीरियंस चाहते हो नॉर्मल और हैवी यूजर के हिसाब से, तो वो भी मिल जाता है। लुक्स भी काफी अच्छे मिलते हैं। हालांकि यहाँ पर Vivo V40 का सिग्नेचर डिजाइन यहाँ पर देखने मिलता है, बट मैं कहूंगा काफी अच्छा डिजाइन है और बिल्ड क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी आती है। उसके बाद में आपका कैमरा भी ऑन पॉइंट देखने मिलता है और डिस्प्ले पे जो कलर्स और जो क्लैरिटी है वो भी अच्छी है। तो ऑलमोस्ट यार एक हर एक चीज को ना अच्छी तरीके से फुलफिल करता हुआ जाता है। तो ये सारी बातें थी Vivo T3 Ultra को लेकर। और जस्ट एक और बात कि यहाँ पर ये वीडियो Vivo के साथ कोलैबोरेशन में बन रही है, पर जो थॉट्स और जो ओपिनियन थे वो मेरे खुद के थे, जहाँ पर जो चीजें थी वो मैंने आपके साथ एक्सपीरियंस करके बताई है। और इस फोन के लिए ना स्टार्ट में 500 कस्टमर्स होंगे ना, उनके लिए 500 ऑफ का कूपन कोड भी है। बाकी इसका एक लॉन्ग टर्म वीडियो जरूर आएगा एक अच्छा एक्सपीरियंस के साथ में। मतलब अभी ये फोन मेरे पास 4-5 दिन ही हुए थे, बट एक 15-20 दिन के बाद में एक्सपीरियंस करने के बाद में फोन किस तरीके की डिटेलिंग दे भी पाता है या नहीं, वो और आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा। तो अगर उसको लेकर कुछ क्वेश्चन होंगे तो कमेंट कर देना, ताकि वीडियो में कवर अप कर लेंगे क्या क्या देखना चाहते हो। और अगर आपने अभी तक देख ही रहे हो तो यहाँ पर एक और वीडियो आ रही है, क्लिक करके देख लो ताकि आपको एक और मजा आ जाए मस्त तरीके से, तो वो चेकआउट कर सकते हो। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं मारा है तो भाई सब्सक्राइब मारो, और तगड़े तगड़े कॉन्टेंट आने वाले टाइम पे आने वाले, तो यहाँ पे सब्सक्राइब मार दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।